ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा, श्रावण मास महात्म्य में पांचवा अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में क्या कहना है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1,000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण भन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला, सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला, मृत्यु के पश्चात यह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत का करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीही आदि प्रकार के धान्यों का अच्छा निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृतिका, मकर तणि, पिष्ठ, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाले मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ स्थल में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में 1 बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1,000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है, वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1,000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्य हीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसे करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरक गामी होता है। इस महीने में समधा, चारु, तिल और धृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांत ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्र होम करने चाहिए। व्याहृतियों ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षा व्रत में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करते हुए स्त्री को देखा। तब उसे देखकर वह स्त्री परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो,
इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ, इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान वह फल अवश्य बताएं। स्त्रियाँ बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें से एक पौढ़ स्त्री थी, वह ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें, उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें, उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्र से युक्त नारी केल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादश मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदीक्षाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र से 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण कर उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में कड़ी से उन दोनों सुंदर तथा अनुपमी कन्याओं को देखा। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं पर खड़ा हो गया और ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया तथा उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति के रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगीं और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाली इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे निधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान के फल का वर्णन कैसे किया जाए? इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य, प्रकीर्णक नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भगवान शंकर की पूजा किसी भी विधि से करें, चाहे शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बना लें, चाहे घर में कोई छोटा सा अंगूठे से भी छोटा शिवलिंग हो उसे शिवलिंग की पूजा करें या किसी शिवालय में जाकर पूजा करें। सावन महीने में किसी भी विधि से भगवान शंकर की पूजा करें, वो प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।